ऑनलाइन मार्केट का चलन जोरों पर है। भला घर पर बैठे बैठे खरीदारी करना किसको पसंद नहीं होता, और हो भी क्यों ना, जब सब कुछ बस आपसे एक क्लिक दूर हो, तो फिर चाहे वो रोजमर्रा की जरूरत की चीज हो या फिर मोबाइल फोन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन मार्केट की वजह से बीते एक साल में हैंडसेट इंडस्ट्री में रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से जुड़े 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। भारत में छोटे बड़े कुल 4 लाख से ज्यादा रिटेल शॉप हैं। इनमें से हर एक दुकान में 3 से 5 मोबाइल कंपनियों के लोगों को नौकरियां मिलती थी, लेकिन कुल वर्कफोर्स में 15% की कटौती की वजह से छोटे बड़े फोन रिटेल शॉप का बंद हो जाना, जिसकी वजह से इन दुकानों में काम करने वाले ब्रांड प्रमोटर्स की नौकरियां चली गई हैं। हैंडसेट इंडस्ट्री में नौकरियां कम होने की वजह से ये भी है कि मुनाफा बढ़ाने के लिए भारतीय और विदेशी दोनों ही कंपनियों ने खुदरा बिक्री पर खर्च कम कर दिया है। हैंडसेट इंडस्ट्री में गिरावट की वजह यह है कि ऑनलाइन चैनल की ग्रोथ बढ़ने से रिटेल स्टोर को नुकसान हुआ है। रिटेलर्स ने बताया कि नौकरी गंवाने वाले ज्यादातर लोग इन शॉप प्रमोटर हैं, जो रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का हिस्सा थे। हैंडसेट इंडस्ट्री में काम करने वाले 2,50,000 से अधिक लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में ही 25,000 लोगों की नौकरी गई। चीन की कंपनियों का दबदबा बढ़ने से भारतीय कंपनियां मार्केट से गायब होती नजर आ रही हैं। ऑनलाइन बिक्री से जहां लोगों की सहूलियत बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ इसका असर रिटेल सेगमेंट के कर्मचारियों की नौकरियों पर भी पड़ रहा है। रिटेलर्स के मुताबिक ग्राहक पहले ऑनलाइन चैनल पर सारी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद स्टोर पर जाकर सीधे खरीदारी कर लेते हैं, जिसकी वजह से रिटेलर्स के पास ग्राहकों को बताने के लिए कुछ नहीं बचा। यही वजह है कि पिछले काफी समय से रिटेल स्टोर पर ग्राहकों को अटेंड करने वाली कर्मचारियों की संख्या में कमी देखी जा रही है। अब तो लोगों ने फोन खरीदने के लिए भी दुकानों पर जाना कम कर दिया है। लोग बिना झिझके कीमती से कीमती सामान ऑनलाइन मंगवाने लगे हैं। तभी खरीदारी कम होने की वजह से छोटे रिटेल स्टोर लगातार बंद हो रहे हैं। इसकी वजह से इनमें काम करने वाले लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ रही हैं। इसके अलावा चाइनीज कंपनियों का दबदबा बढ़ने के कारण माइक्रोमैक्स और इंटेक्स जैसी कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग के काम से जुड़े लोगों को निकालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन का कहना है कि 2 साल में 2.5 लाख लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। इसमें रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं, जबकि इसका असर रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पर सबसे ज्यादा हुआ। आज की बढ़ती टेक्नोलॉजी के दौर में, जहां हमारी सुविधा के लिए आए दिन कुछ न कुछ नया इन्वेंशन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर इससे काम करने के लिए इंसानों की जरूरत उतनी ही कम होती जा रही है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कब और कैसे करना है, ये हमें ही तय करना होगा।